पूरी रोटी बना करवा देते हैं, आप भी सुनिए तो क्या क्या है प्या। चलेगा 750 हम पैदल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फुरकान नसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी जोगर। दोस्तों उम्मीद करता हूं सब लोग खैर से होंगे, खुश पाश होंगे, फिट होंगे अल्लाह ताला के करम से। तो दोस्तों मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में जैसा कि बताया था कि एक सरप्राइज़ है आपके लिए, वो सरप्राइज़ ये है कि पहले तो आप ये जान लें कि मैं मोटरसाइकिल पिस्टन क्यों बैठा हूँ, अपनी पुरानी पटारो पर बैठा हूँ जो दूसरी भाई के वो घर पर। तो वो सरप्राइज़ ये था कि मैं जाने लगा हूँ जी क्वेटा, मैं हूँ शाहदेव भाई और सुफियान भाई के साथ में। बाय ट्रेन हमने जाना था क्योंकि हमें ट्रेन का सफ़र ज़्यादा पसंद है, तो क्वेटा का सफ़र हो तो फिर ट्रेन का हो ज़्यादा मज़ा आता है। तो लेकिन सीट्स जो हैं वो दो तीन दिन जो है हमें नहीं मिल रही आगे की तरफ, तो इस वजह से जो है हमने फिर डिसाइड किया कोच पर जाएँगे क्योंकि दिन चार पाँच हमारे पास घूमने के लिए, फिर काम का जोर पड़ जाने ऊपर। तो इस वजह से जो है हम जा रहे हैं बाय ट्रेन नहीं, बाय कोच जाएँगे इंशाल्लाह, बाय रोड जाएँगे। तो अभी मैं घर पे बैठा हुआ था, आज शाम में निकलना है इंशाल्लाह 7-8 बजे। तो मैं घर पे बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो जैसे बैठे हैं तो चलते हैं जी, दाढ़ी वगैरह और बाल वगैरह थोड़े से सेट करवा लेते हैं, कर रहे हैं अकरम भाई के पास हमारे बस्ती में। तो शहर नहीं जा सकते, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए चलते हैं अकरम भाई के पास और वहाँ से जी है सेटिंग वगैरह करवाते हैं और फिर निकलते हैं जी। कहाँ से निकाले हुए कितने का है? बात बंदे बैठे हैं, मैं एक दो, तो मुझे भूख लग रही थी, खाने को घर देर थी, तो फ्रेश समोसे देखे तो मेरा दिल जो है ना ख़राब हो गया। ये देख, तब तक लिए हम एक दो समोसे खा रहे थे। ओ कितना है डूचा, मैं क्या डूचा बैठे सर, कितना है तेरा पिता है क्या वो बैठे यार, सेट कर दिया वाल चाल। दोस्तों मैं गया था उधर दाढ़ी वगैरह सेट करवाने, तो दाढ़ी वगैरह सेट करवा ली थी और वहाँ से वापस आ गए, तो फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद पैकिंग वगैरह की, पैकिंग करके फिर जी ना आया हूँ ना कि फिर कपड़े पहन लिए, तो फिर जा रहे कोई का। हाँ जी, दिल तो कर रहा होगा यार ले जाओ प्लीज़, ले जाओ, दिल में कह रहे हो कि मुझे भी ले जाओ, कह रहे हो ना, लेकिन आपको नहीं ले जा सकते। हाँ हमने 3-4 दिन रुकने, वो चले सूट वगैरह पहन लिया है, तो पैंट शर्ट नहीं पहनी फिलहाल, तो वहाँ पे वहाँ का माहौल ही ऐसा है कि सूट वगैरह ही पहन के जाओ तो बेहतर है। तो वहाँ पे चलेंगे जब फिर निकलेंगे इंशाल्लाह, आउटिंग वगैरह करेंगे तो फिर ही सूट पैंट शर्ट वगैरह पहनेंगे इंशाल्लाह। तो आज का ब्लॉग जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे मज़ेदार ब्लॉग आएंगे। तो चलते हैं हम बस स्टॉप पर, तो सुफियान भाई घर वेट कर रहे हैं मेरा, तो बस स्टॉप पर चल के मिलते हैं। जी बस का इंटीरियर, मुझे ये बसें पसंद है, जो यू टोंकी आजकल आई हुई है उससे ज़्यादा मुझे पसंद, क्योंकि ये सिंपल है, ये झूलती कम है, वो झूलती ज़्यादा है तो उससे तबीयत ख़राब हो जाती है।
बस स्टॉप है यहाँ पे, होटल पे रुके हैं खाना खाने के लिए, तो चलें देखते हैं खाना वगैरह खाते हैं इंशाल्लाह। ये पापा हमारे साथ हैं, आ जाएं। पापा हमारे साथ है जी, पीछे बैठा था सुफियान भाई के साथ, उनको साथ ले लिए। दोस्तों सफ़र ने जी बड़ा थका दिया है सर जी, बस का सफ़र जो है ना वैसे भी थका ही देता है बंदे को, और बड़ा मायूस किया है इसने, मतलब ये तो पहुंचने वाले क्वेटा तकरीबन आधा घंटा या घंटा और सफ़र रह गया। जिस टाइम बोलान में मौजूद हैं हम, तो बस रुकी है नमाज़ के लिए, लोग उतरे हुए हैं। ये बजरी वगैरह जो निकालते हैं वो मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पर। तकरीबन मैं 1.5 साल के बाद आ रहा हूँ यहाँ पर, वैसे मैं हर साल आता था लेकिन अब तो तकरीबन साल डेढ़ हो गया, 1.5-2 साल हो गया बल्कि, फिर मैं आया हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा सफ़र रह गया, पहुँचते हैं वहाँ पे चल के फिर हाल वाल करते हैं, अभी कंडीशन बिल्कुल डाउन है।
चलो यार मैं। हाँ सही, ले जाएगा ले जाएगा। कितने पैसा लेगा? 750। हम पैदल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली जो है पहुँच चुके हैं सदाबहार टर्मिनल पे, और हालत बहुत ही बिगड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा फसल ने हाल बहुत ख़राब किया है। ये सदाबहार टर्मिनल, किधर जाना है? ये मिनी मार्केट। अच्छा अच्छा, छोट में उतरना है? थोड़ा ऊपर जाना है। कितने पैसे? ऊपर कौन सही है? थोड़ा सा ऊपर जाना है, आधा किलोमीटर। ये तो सवारी है ना, और कौन है? 300 रुपये। 300 रुपये लेगा? पक्की बात है? चलो फिर भाई साहब, चले ये भाई से बात हो गई है। 300 रुपये में चलेगा हमारे साथ? लो और गाल दी गई। चलो भाई, ये जी रक्षा। ये सामने तंदूर वाला गली, ये वाला, ये वाला, हाँ ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये खबे वाला गली, पहला गली, पहली ये वाली। वाह उचित थी ये गड्डी, मैं कुछ नहीं बदलिया। पठान वाली बस यही है, गेट यही है, सारी यही है। रॉकिंग